लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के गुरुवार को नामांकन पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। बता दें कि जिसको लेकर बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की 5 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं भागलपुर में गुरुवार को नॉमिनेशन के अंतिम दिन महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा अपने समर्थकों के साथ समरणालय परिसर पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और समर्थकों ने प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारा लगाया। वहीं इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा अपने प्रस्तावक डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, कोमल सृष्टि, प्रदीप यादव और अधिवक्ता के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नॉमिनेशन कार्यालय कक्ष में पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष प्रवेश जमाल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल रहे, लेकिन आचार संहिता को लेकर कुछ ही देर में सभी कांग्रेस नेता वापस बाहर निकल गए। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता उनके साथ है और आम मतदाताओं के समर्थन के कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया, जबकि वो चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज कर महागठबंधन को मजबूती देते हुए मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। साथ ही जिले में हर स्तर पर अटके हुए विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। वहीं निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल पर निशाना साधते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि लोकसभा में भागलपुर से जुड़े कई मुद्दों को उठाने में यहां के सांसद विफल रहे हैं, जबकि बिहार में विधायक होने के नाते उन्होंने क्षेत्र की जनता के हित में कई अहम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर विकास कार्य को आगे बढ़ाया है। इधर नामांकन के बाद समरणालय परिसर से बाहर निकलते ही अजीत शर्मा के समर्थकों ने नारा लगाते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बात तो छोड़ दीजिए, मैं लगभग 200 प्रश्न विधानसभा में उठाए हैं, जिसके संबंधित पुस्तिका भी मैंने प्रयास से 2020-21-22-23 पुस्तिका भी छप्पा के हमने जनता भागलपुर विधानसभा में बात ले जाता हूं। मेरे लिए अंतिम प्रार्थना है, अधिक प्रश्न जो भी हम जीतेंगे आप जिताएंगे। आपको बता दें, भागलपुर लोकसभा में जो 6 विधानसभा है वहां में हर जगह हर जाऊंगा, हर 2 महीने पर वहां पर मैं कार्यालय में बैठूंगा और एक एक पंचायत की जो समस्या होगी जनता की आवाज लोकसभा में उठाया काम करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपने जिसे वोट दिया है आप जवाब करेंगे। आपको किसी किसानों की समस्या हो, गरीबों की समस्या हो, जो भी समस्या चाहे आपका जमीन जो कोसी और गंगा से कट रहा है उसको बचाने का काम किया हो, एम्स की स्थापना के काम करना हो, भागलपुर में करके दिखाएंगे। क्योंकि वक्त कम है, लेकिन आपसे आग्रह है, आप लोग अभी से अपने अपने गांव में लग जाइए, विकास की जीत होनी चाहिए। आपके सम्मान के साथ हम विकास करेंगे और जीत दर्ज कीजिए। जन संपर्क के साथ फिर से जो भाई बहन आए हैं उनका मैं दिल के गहराई से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। भागलपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर 28 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत थी। वहीं अंतिम तिथि गुरुवार 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ संपन्न हो गई। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि पर भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष कुल 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें एनडीए के जदयू प्रत्याशी सह भागलपुर के निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सह नगर विधायक अजीत शर्मा के अलावा बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से नाथनगर राघोपुर टीकर के उमेश प्रसाद यादव, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मुकेश कुमार के अलावा नाथनगर गौराचक्की नवटोलिया के निर्दलीय उम्मीदवार पिंटू कुमार गुप्ता, पीरपैती के हरेराम यादव समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं गुरुवार को समरणालय परिसर के आसपास प्रत्याशियों के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा, जहां नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद परिसर से बाहर आए समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत करते हुए जीत को लेकर नारेबाजी की। बता दें कि शुक्रवार को नामांकन पर्चा की स्क्रूटनी होगी, जबकि 26 अप्रैल को मतदान को लेकर 8 अप्रैल तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। वो भी सब आप समझते हैं, भागलपुर क्या पूरा बिहार का लोग समझता है, और ऐसी परिस्थिति में कभी भी सही फैसला हो नहीं सकता है। तो उनसे अगर गलती हुई उसी उम्मीदवार को फिर से उतारने का, तो मैं आपसे अपील करता हूं, जनता की अदालत में उस फैसले को ठीक करने का समय आ गया है और आप अजीत बाबू को
मजबूती से आशीर्वाद देके, दुआ देके देश की संसद में अपनी आवाज बनने का मौका दीजिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मौका दीजिए। हम आपकी जनता की अदालत में इनका केस इतना ही दूर तक बहस करने आया, बाकी जो आप फैसला करेंगे हम उसको सिर्फ बातें स्वीकार करेंगे।